सो ऑल राइट, सब रैपअप विपअप करके वहाँ का, तो अभी फिलहाल अपन पहुँचे नानेमाची ट्रैक पॉइंट पे। वो सातसड़ा का जो वाटरफॉल है वहाँ पे मेरा जीप सातसड़ा जैसा हो गया है। एनीवेज, तो अभी देखो अभी बारिश आएगी, तो इसके लिए अपन ने इसको थोड़ा अच्छे से रैपअप कर दिया कम्प्लीटली, ताकि इशू ना हो। बैग अपना वैसे तो वाटरप्रूफ है, बट ठीक है फिर भी भाई, कितने भी अगर जोर की बारिश आए तो कौन सा भी बैग फिर वाटरप्रूफ नहीं रहता है। सी बेसिकली आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है यहाँ पे, एंड दिस इज अ स्पॉट जो मंदिर है टेम्पल यहाँ पे, एंड यहाँ से अप्रोक्स एक 45 to 1 hour का डिस्टेंस है। एज आई नो कभी गया नहीं हूँ, बट ठीक है देखा है मैंने वो चीज़। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो बेसिकली नानेमाची वाटरफॉल के लिए जब आप रूट पकड़ते हो लाइक ट्रैकिंग वाला पॉइंट, तो ट्रैकिंग वाला जो लाइक प्लेस पायवट है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली विजिबल एंड आप इजीली ये पायवट पकड़ के जा सकते हो। आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मुड़ना है, सो जो ये पायवट है वो फॉलो अप करोगे तो आप डेफिनेटली नानेमाची वाटरफॉल तक पहुंच जाओगे। फिलहाल आज है ट्यूसडे, इंडिपेंडेंस डे, एंड फिलहाल मुझे कोई दिखा तो नहीं है। लाइक नीचे ऑफकोर्स नानेमाची का पार्किंग लॉट है, ऐसा कुछ वहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं होते, बस गांव वाले बोलते कि आप पार्किंग नीचे कर दो। ओके, देयर इज अ वन मोर पॉइंट, आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है, आपको ये पहाड़ को ही फॉलो अप कर करके, क्योंकि जो नानेमाची वाटरफॉल है ये पहाड़ के वो साइड पे है जितना मैंने देखा था, तो आपको काफ़ी डायरेक्शंस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप खो जाओगे, बट वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये डॉग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, बदले में आप इनको थोड़ा सा फीड कर देना। नानेमाची का वाटरफॉल करते वक्त आपको ये इतना लैंडस्केप, इतना अच्छा व्यू मिलेगा, लिटरली आप जहाँ पे भी उठा के नज़र देखोगे आपको हर तरफ हरियाली दिखेगी। यस, नानेमाची इज माई फर्स्ट टाइम, बट एक होता है ना, आपको जब लाइक रास्ते नहीं मिलते तो आपको यहाँ से रास्ते मिल जाते हैं। सो एनीवेज 9:15, एंड हम लोग को इधर काका मिल गए, जो कि ऑफकोर्स उनके साथ पास बिस्किट्स है, एंड जो कि ये लोग प्रोबेबली खा लेंगे आई गेस। सो ते लोग का खाता है ना, चले भाई शहरा है काका, काय म्हणतात, साधा सुधा नको आपल्याला। हाँ, म्हणजे कुठला देवाचा आपला? लांबण करे। ओके, त्याने मला अंडी बिंडी घरचे आपण सकाळी। ओके, घरी जेवण बनवलं तर चिकन। हा, म्हणजे ते घरी आपण, पण इकडे जर म्हणजे जेव्हा आपण ट्रॅक वगैरे करतो तेव्हा नॉनव्हेज वगैरे काहीच नाही। जिसका डर था वही हो रहा है, फॉग जम रहा है। अगर फॉग जमेगा तो फिर भाई अपने को वाटरफॉल नहीं दिख पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। सो आई होप कि थोड़ी सी धूप आ जाए ताकि अपने को एक अच्छा सा व्यू मिल जाए। ये जंगल है अमन का, अमन का, यहाँ की शांति अमेजिंग है। लिटरली फॉग ही फॉग है, एंड मेरी चप्पलों की आवाज़ के अलावा ऑफकोर्स बर्ड्स की भी आवाज़ है। दो रास्ते जा रहे, ये या ये, क्या बोलता है? ये वाला, चलो फिर। भाई बोला, भगवान बोला। अरे मेरा दिल चुरा के ले गई। अयो, ये वाटरफॉल का नज़ारा अभी तो आपको काफ़ी कम ही दिखेगा, लेकिन जरा गौर से देखिए इस नज़ारा, कितना ही खूबसूरत ये नज़ारा है और कितना ही ऊंचा ये वाटरफॉल है जहाँ से ये गिर रहा है। तो ऑफकोर्स अभी अपन इसके पास में जाने वाले हैं थोड़ा सा और, फिर आपको थोड़ा सा और, फिर और थोड़ा सा, फिर आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे, बट तब तक चलो इस डेंस फॉरेस्ट से अपन होके तो गुजरना ही है। एंड अपन पता नहीं कि वाटरफॉल तक कितना जा पाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स फोर्स ज़्यादा है, सो रिस्क नहीं लेना चाहता, बट यस, जिंदगी है, थोड़ी सी तो रिस्क जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना डेफिनेटली ट्राई करेंगे। क्या आप लोगों को एक अद्भुत अदृश्य
विचलित करने वाला नजारा देखना है तो चलिए ये देखिए। ये है वो अद्भुत अदृश्य नजारा जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके, लेकिन ये नजारा इतना खूबसूरत है भाई, वर्डिंग्स में इसका कोई बयान नहीं है। एंड दिस इज द नानेमाची वॉटरफॉल, आई लव इट। एंड लिटरली 10 बज रहे हैं, सो दिस इज हाउ द नानेमाची वॉटरफॉल लुक्स लाइक। कम्प्लीटली यहाँ पे आप देखोगे तो हर जगह से घिरा हुआ है माउंटेन से, अमेजिंग। अब पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज कितनी आएगी, या फिर मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ, या फिर इस बड़े से वॉटरफॉल के सामने भाई आई एम लाइक नथिंग। एंड हियर इज अ व्यू, क्लोजअप में बता देते हैं भाई साहब, ये एक फ्रेम में नहीं बैठ पा रहा है, लिटरली इतना बड़ा है। एंड अभी अपन जाने वाले हैं वहां पे स्विम करने के लिए भाई, लेकिन जो नेचर है ये, जो गजब नजारा है, लुक एट दिस भाई, क्या ही है व्यू। About to 10:45 and look at this amazing waterfall. भाई जितनी तारीफ करो, literally महाराष्ट्र का बाहुबली waterfall बोला है। रायगढ़ का सबसे बड़ा ये waterfall है, ज्यादा बोल नहीं पा रहा क्योंकि मुंह में काफी पानी जा रहा है, बट अभी देखो जब मैं आया था तब कोई नहीं था, लेकिन अभी मेरा हो जाने के बाद look at the crowd, अभी धीरे धीरे crowd आना चालू हुआ है। तो bye bye to this waterfall. Until the next time. And यहाँ पे इनके अलग ही फन चालू है, literally ये रखो। चलो 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 बच्चा लोग चलते बनो, चल 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 आगे चलो, तू आगे जाएगा नहीं, चल ठीक है फिर हम लोग आगे जाएंगे, है कि नहीं। तो फिलहाल इन दोनों ने और इन तीनों ने मेरा काफी अच्छा साथ दिया वाटरफॉल तक। अभी वाटरफॉल थोड़ा सा छुप गया, एक मिनट। यस, तो ये वाला जो नानेमाची वाटरफॉल है, तीनों ने मुझे अच्छे से डायरेक्शन किया, है कि नहीं, और मुझे वाटरफॉल तक कम्प्लीटली लेके गए, मुझे अच्छे शॉर्ट्स भी दिए उन्होंने। तो अभी फिलहाल अभी ये लोग तो मैंने ये देखो पार्ले जी फीड किया है, जो कि ऑफकोर्स मैंने कचरा इधर डाला हुआ है। ये जो डॉग है ये इसने लिटरली वैभव का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा हुआ है, एंड उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आ रहा है वैसे वैसे आ रहा है। मेरा एक डॉग तो इधर है, दूसरा डॉग किधर भाग गया पता नहीं, आगे लगता है जहाँ पे सामान वामान रखे है वहाँ पे चला गया है। बेसिकली आप जब नानेमाची वाटरफॉल के लिए आते हो तो आपको काफी मशक्कत करके आनी पड़ती है। देखो लिटरली हम लोग कैसे आए, देखो अभी ये पत्थरों के पत्थर, पत्थर के ऊपर उससे पत्थर, इधर से जाना ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है वो चीज, एंड यहाँ से भी काफी स्लिपरी है, जब पानी का फोर्स बढ़ जाता है तो इसके ऊपर से भी पानी आता है। फिलहाल ये दोनों क्यूट कितने मस्त लग रहे हैं, है ना तुम दोनों, है कि नहीं, एक फोटो खींची तुम लोग का। वो देखो तुम्हारा साथी उधर है, तो अभी हम लोग को उधर तक जाना है। ऑफ कोर्स ब्लॉग करते करते मेरे को तो पॉसिबल होगा नहीं, इसके लिए मोबाइल अंदर रखेंगे। शाबाश गुड बॉय, चलो अब वो जो द लास्ट वाला कुत्ता है वो कैसे आएगा उसको ही पता है। लिटरली उन डॉग्स को देखो कितने रिस्की लाइफ पे है वो लोग, बट ऑफकोर्स ये उनका घर है और उनको पता है यहाँ पे कैसे चलना है, किस तरह से ट्रैक करना है और लोगों को किस रास्ते से लेके जाना है। ऑफकोर्स अरे ये किधर चला गया भाई, मेरे जो
तीन सबसे वफादार है वो लोग तो आ गए, अब वो बाकी किधर रहे वो तो उसको ही पता। चलो फिलहाल तो चलते हैं, चलो चलो। ओ तो ऑल राइट, अभी ऑलमोस्ट 12 बजे अपन नीचे उतर गए एंड ये देखो हमें पूरा साथ दिया है कि नहीं मेरी गुंडी, ये ले। गुड गर्ल, तू भी खाएगा? हाँ तूने तो पूरा साथ दिया है, लेकिन तू गुंडागिरी बहुत करता है, गुंडागिरी नहीं करने का ठीक है। ये ले, किसके ऊपर गुंडागिरी कर रहा था? अरे नहीं, फ्लो तो मस्त है लेकिन पानी ऑफकोर्स फ्लो तो भाई